राधे राधे, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका यूपी ब्लॉगर। और फ्रेंड, ये कल का वीडियो है जो कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कल मैंने मॉर्निंग में वीडियो डाले थे और आज वीडियो नहीं डाल पाए क्योंकि मेरे यहाँ बारिश हुई है, और आज बारिश हुई तो ये बारिश वाला ब्लॉग तो मैं कल दिखा पाऊँगी, आज नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मैंने एडिटिंग थोड़ा सा जल्दी कर लिया। और यहाँ पे मैंने काटे हैं करेला, और साथ में मैंने काट लिया है बहुत सारा प्याज लहसुन, और साथ में मैंने एक आम काटा हुआ है, यानी कि एक कैरी काटी हुई अंबिया, मेरे यहाँ अंबिया बोलते हैं, कच्चा आम भी बोलते हैं, तो वो मैंने काट के रख लिया। एक ही डालेंगे ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा फिर डालो तो खट्टापन ज़्यादा हो जाता है जिससे गला पकड़ता है, क्योंकि आज इतना ठंडा मौसम है हमारे यहाँ का कि हम लोग फैन भी नहीं चलाएं फिर भी ठंडा लग रहा जैसे कि फरवरी का मौसम वापस आ गया हो। और यहाँ पे जैसे कुछ लोग, कुछ फ्रेंड वगैरह रहते हैं जिनको, जिनके ब्लॉग मैं देखना ज़्यादा पसंद करती हूँ, उन्हीं के ब्लॉग को मैं चला के रख देती हूँ वीडियो को, और मैं अपना काम भी करती जाती हूँ साथ में वीडियो भी वॉच करती जाती हूँ। और फ्रेंड, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ, जैसे कि मैंने बताया है कि मैं करेला की ही सब्जी, तो मैंने बनाया था करेला की सब्जी और दाल चावल रोटी, बस नॉर्मल ही खाना। कहते हैं ज़्यादा तला भुंजा चीज़ जैसे डालने से तो कई प्रकार की बीमारियाँ भी हो जाती, तो मैं थोड़ा सा कम ही खाने की कोशिश करती हूँ, बच्चों को कम खाने की देती हूँ। और करेला खाने से काफ़ी फायदे भी होते हैं, करेला खाने से सबसे पहले तो हमारा जो पित्त होता, पित्त मतलब एकदम साफ रहता, पित्त हमारे नहीं बढ़ते नहीं हैं, और बहुत सारी इसकी जैसे शुगर की प्रॉब्लम नहीं होती है, और हमारे शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बराबर रहता है, तो हम लोगों को करेला खाना चाहिए। तो ऐसे तो नहीं मैं खाती थी, मगर एक दो चार बार से मैं खाने लगी हूँ। और यहाँ पे जो मैंने बर्तन को वॉश किए थे वो उठा के रखने लगी हूँ। तो ये सारा वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये कल शाम का वीडियो है जो कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और प्लीज़ फ्रेंड, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपना साथ और सपोर्ट दीजिएगा। और इस समय पता नहीं क्या मेरे साथ हो रहा है कि मेरे जो है 5200 से 5207 5208 तक सब्सक्राइबर हुए, अब मेरे 5200 फी एक हो गए। पता नहीं क्या मेरे साथ हो रहा, इस समय सब्सक्राइबर थोड़े से भी नहीं बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों से बस यही कहेंगे कि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट दीजिए, अपना प्यार दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। और ये मेरी बेटी है, और यहाँ मैं बर्तन लगा रही थी स्टैंड पे, और बेटी मेरे आगे पीछे लगी रहती, कह रही थी मम्मा मैं आऊँ रखने के लिए। देखो मेरी बेटी बहुत काम करती, छोटी है मगर हर एक काम को आगे दौड़ती। मेरा बेटा भी, अगर मैं थोड़ा सा मुझे फीवर रहेगा कुछ रहेगा मैं लेटी हूँ तो मेरे बच्चे सहयोग करते हैं, बोलेंगे मम्मा मैं करूँ, मम्मा मैं झाड़ू लगाऊँ, मम्मा मैं ये कर लूँ, मम्मा वो मैं वो कर लूँ, ऐसा करके। अच्छा, यहाँ पे जो पानी था उसको मैं पैर से ही ऐसे डाल के उसको साफ़ कर दूँगी। और प्लीज़ गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आप लोगों ने अभी तक तो मेरा बहुत सपोर्ट दिया, अब भी मुझे सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके सपोर्ट इस टाइम पर मुझे बहुत 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 कम मिल रहा है, मगर मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मैं आप लोगों से कितना, आप लोग की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ, और मुझे बिलीव है आप लोग मुझे आगे भी लेके जाओगे। बट इस समय तो बड़ा डिमोटिवेट हो रहे हैं, क्योंकि इस समय वीडियो तो मैं बराबर ही डालती हूँ, हाँ ये है कि मेरी सिचुएशन ऐसी थी कुछ वजह से मैं वीडियो इसमें 10-15 दिन का गैपिंग हो गया है मुझसे, मैं मानती हूँ, मगर पहले मेरे सब्सक्राइबर गेन होते थे, गेन दो चार तो बढ़ते थे। इस समय मतलब पूरे 28 दिन में मेरे 10 सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़े हैं,
और प्लीज़ फ्रेंड आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। और गाइस आज मैं बनाऊंगी शाम को पनीर के पकोड़े, तो आप लोग आ जाइए पनीर के पकोड़े खाने के लिए। तो पकोड़े तो मैं आप लोगों को कल ही खिलाऊंगी, क्योंकि आज बनाऊंगी तो कल खिलाऊंगी। और फ्रेंड फिर उसके बाद आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और बहुत लोगों के बहुत सारे कमेंट थे रिक्वेस्ट पे, वीडियो बनाओ चेंजिंग वाले वीडियो बनाओ, चैलेंजिंग वाले। तो किसके साथ चैलेंजिंग वाले वीडियो बनाएं, बच्चों के साथ फिर बच्चे या तो फिर चैलेंजिंग करें आपस में। और मैं जब बच्चों को ज़्यादा वीडियो में लेके नहीं आती हूँ, क्योंकि ज़्यादा लेके आने से उनका मन मतलब पढ़ाई में दिमाग ना लगे या फिर कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो, इसके वजह से मैं ज़्यादा बच्चों को नहीं लेके आती हूँ। और बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जैसे अभी तक आप लोगों ने साथ और सपोर्ट दिया है, आई होप, मुझे बिलीव है कि आप लोग आगे भी मुझे लेके जाओगे, क्योंकि मैं मानती हूँ इतने कम टाइम में मेरे अच्छे खासे इसमें सब्सक्राइबर हुए। और इसमें मैंने किसी का कंटेंट कुछ भी नहीं डाला, जो भी है मेरे इस चैनल में सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से खड़ा किया है, अपनी मेहनत से ही यहाँ तक आई हूँ। और जैसे आपको मालूम है ये मेरा सेकंड चैनल है, तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड आप लोग मुझे आगे भी लेके जाइएगा। और यहाँ पे मैं आटे को गूंथ रही हूँ, आटा गूंथ के रख दूँगी। और बच्चे हैं, और मैं इस टाइम पे एडिट कर रही हूँ। मेरे बच्चे इतने शैतान, दोनों लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान। फिर उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे मैं आटे को गूंथ के रख दूंगी और बनाऊंगी गर्मा गर्म रोटियाँ। तो ये रोटियाँ बनाने के लिए हैं, और बिट्टू और यहाँ से वीडियो जो है थोड़ा सा संडे मतलब आज का वीडियो यहाँ पे, क्योंकि मैं 2-3 दिन का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और गाइस कल जैसे कि आपने देखा कि मतलब मैं कल कपड़े वगैरह जो भी अपने वॉश किए थे, उसके बाद में मुझे नहाना था, तो ये सब नहाने के पहले ही मैं सारा काम कर लेती हूँ, ताकि मुझे नहाने के बाद इतनी सारी दिक्कत ना आए। मतलब नहाने के बाद ये सारे काम करो तो मतलब कपड़े गंदे हो जाते हैं और मन नहीं लगता। इसीलिए मैं जो भी घर के डेली रूटीन वाले काम रहते हैं, मैं सुबह सोचती हूँ जल्दी फटाफट कर लूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि बात यह है कि मेरी बेटी जाती है 8 बजे स्कूल जाती है, फिर मुझे 11 बजे उसको जाना पड़ता लिवाने के लिए। तो मैं सोचती हूँ 8 से 11 के बीच में जितनी जल्दी मेरे काम सारे फिनिश हो जाए, ताकि जब मैं बिटिया को लेने जाऊँ तो एकदम स्वच्छ होके जाऊँ, मतलब साफ सुथरा एकदम फ्रेश मूड से जाऊँ और लिवा खिलाऊँ, क्योंकि फिर बिट्टू को लेके आओ, वहाँ खाना खिलाओ, उनके आगे पीछे लगी रहो। और गाइस फिर उसके बाद आप देख सकते हो शाम को मैंने बनाए थे आलू बैंगन की रसेदार सब्जी। और आलू बैंगन तो बहुत बहुत कम आते हैं हमारे यहाँ, बहुत ही कम आते, मैं बहुत कम लाती हूँ, मगर मैंने कहा चलो ठीक है इसको लेके आती हूँ और इससे बनाती हूँ रसेदार सब्जी। तो मैंने बनाई थी आलू बैंगन की रसेदार सब्जी। और फिर उसके बाद गाइस मैंने बनाया साथ में चावल। अच्छा, मुझे चावल के साथ रसेदार सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे अच्छा लगता है गरम गरम सब्जी हो और साथ में चावल हो, क्या खाने में आनंद हो जाए। मगर कभी कभी लगता है भैया बनाना ना पड़े, खाना खाने मगर बनाना ना पड़े, मगर ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग को चाहे बीमार हो कुछ भी हो, मगर काम तो करना ही है, ये लड़कियों की बहुत। तो गाइस उसके बाद भी मैं आ गई हूँ इस साइड में और यहाँ मैं डालने लगी हूँ सब्जी। तो चलिए गाइस थोड़ी देर म्यूजिक सुनते हैं।
और गाइस उसके बाद फिर सब्जी सब बन गई है। उसके बाद ये मैं लाई थी मार्केट से, कुछ सामान लेके आई हूँ। तो ये सामान में है, जैसे इसमें पपाया है और साथ में तरबूज भी है, और ये सब्जी है, बैंगन वैंगन सब लेके आई थी। तो ये सब मैं टोकरी में रखने लगी हूँ, एक एक अलग अलग करके सब धुल के ही रखूँगी। और गाइस अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मुझे आप लोगों का साथ सपोर्ट चाहिए और बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का प्यार तथा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भी आगे बढ़ूँ, जैसे आप लोगों ने सबका सपोर्ट किया वैसे मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा। और मुझे बिलीव है आप लोग मुझे आगे तक ले जाएंगे, क्योंकि अभी तक यहाँ तक पहुँचाने वाले सिर्फ आप ही लोग हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा कभी कभी इतना सोचते हैं कि मैं छोड़ दूँ, इतना पैसा रहता हमें वीडियो बनाने में, मैं कैसे वीडियो बनाती मैं ही जानती हूँ। किसी दिन मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करूँगी कि मैं कैसे वीडियो बनाती हूँ, कितना ज़्यादा टेंशन में रह के वीडियो बनाती हूँ, मगर बनाती हूँ उच्ची दर पे हूँ कि आज नहीं तो कल। क्योंकि सारे लोग कहते कुछ होगा नहीं, कुछ YouTube से कुछ नहीं होगा, YouTube से कुछ नहीं होगा, मगर मैं लगी हूँ, नहीं आज नहीं तो कल होगा, शायद कल हो, या कल जो आने वाला कल है वो हमारा मतलब भाग्य बदल दे, ऐसा सोचते हैं, अपना सोच के ही काम करते हैं। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड, और कल मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में। तब तक आप अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, गुड नाइट, क्योंकि बज गए शाम के।